1000 वर्ष पहली मूर्ति। जी महाराज जी, ये मंदिर का निर्माण यहाँ जी संवत 5 और 6 के बीच में बना। जी जी, इस समय संवत 2076 है जी, तो करीब 2000 जो है 60-50 वर्ष तो हो ही गया जी। महाराज विजयदेव जी चल करके आए जी कालिंजर से जी, जब जो है यहाँ पर उस समय महोबा नहीं था जी, कि एक नाम का जंगल था उसमें पाटनपुर नगर बसाया गया जी, क्योंकि आल्हा उदल की नगरी बताते हैं जी, रैयत रेजा के दरवाजे पर दो दो कलश सोवण क्या जी, सोने के कलश सभी जगह लगे थे जी, जी। क्योंकि कहाँ गए वो जी, इसलिए जो है जो महोबा पुराना जो बसाया गया उसका नाम पुराना नाम है पाटनपुर जी, जी। जमीन की 10 फीट पर गहराई पर बनाया जी, जी। जब निर्माण कार्य के लिए जब आए वो जी, जी। उस समय उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हनुमान जी महाराज कहीं पर बैठे जी, तो फिर वो चल करके आए, उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजमान है, और फिर उन्होंने 16 खम्भों पर जी, पत्थर के 16 खम्भों पर जो है निर्माण किया। इसमें मंदिर में 16 खम्भे हैं जी, पत्थर जी। के 16 खम्भे, अंदर सब जो है चांदी वगैरह लगी हुई है जी, पूरा पत्थरों से बना हुआ है जी, जी। जो भी राजा महाराजा आए हैं जी, ये मंदिर का रख रखाव करते आए हैं जी, जी, जी। यहाँ पर जो है जी सबसे पहले ये प्रतिमा जी बैठी हुई है जी, हनुमान जी महाराज विराजमान है जी, सीधे हाथ में राम जी है। अच्छा जी, और राइट में जो है राम जी है, लेफ्ट में लक्ष्मण जी विराजमान है जी, जी, जी। जब अहिरावण ले गया है चुरा करके पातालपुरी जी, जी, जी। उस समय की यह मुद्रा है जी, जी। जब हनुमान जी महाराज यहाँ से निकलने लगे लेकर के जी, जी। तब उन्होंने कहा कि मैंने कालनेम का वध किया था जी, जी। ऊपर पहाड़ पर जी। पत्थर बजता है जिसे कालनेम का घंटा कहा जाता है। अच्छा अच्छा, महाभारत के प्रभास खंड में पुराना नाम है इसका यहाँ का जी, कुची काकुनेन घंटा ध्वनेन शिखर के नाम से जी। आज भी जो घंटा ऊपर बजता है जी, बिल्कुल फूल की थाली की तरह जी, जी। तो जब वो जो है यहाँ पर भैया वहाँ पर जब वो है जी यहाँ पर आए जी, तब उन्होंने जो है हनुमान जी महाराज जब जाने लगे यहाँ से, तो राम जी ने से पूछा जी, कहने लगे कि महाराज मैंने यहाँ पर कालनेम का वध किया था जी। तो भगवान ने हनुमंत लाल जी से कहा जी, कि जो पातालपुरी में मुद्रा थी जी, वह मैं देख नहीं पाया जी, क्योंकि मैं नरलीला कर रहा हूँ जी, जी। और मानव का स्वाभाविक गुण है जी, काल को देख करके डर जाना जी, जी, जी। तो मैं भी उस समय डर गया था जी, जी, इसलिए उस मुद्रा के यहाँ पर दर्शन कराइए जी, जी, जी। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने विराजमान होकर के जी, जी, जी। पातालपुरी दृश्य की मुद्रा के यहाँ पर दर्शन कराए जी, जी, जी। और फिर जो है देख करके जी, राम जी ऐसे देख रहे हैं जी, जी, जी। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित होते जी, लक्ष्मण जी ऐसे देख रहे जी, जी। फिर जाने लगे जी, जब उन्होंने कहा इस मूर्ति का विसर्जन कर, भगवान ने कहा जी कि इस प्रतिमा के आज से यहाँ पर पूजा हुआ करे जी, जी। त्रेता युग से आज तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराज जी, जी। क्योंकि भगवान विष्णु ने जी, भगवान राम जब आए जी, उन्होंने महाराज दशरथ के जी महल में भगवान विष्णु की मूर्ति का अनावरण किया जी, तब से मूर्ति पूजा का प्रधान जी विधान जो है त्रेता युग से ही आरम्भ जी, जी, जी। फिर यहाँ पर जो है औरंगजेब आया जी, जी। वहाँ पर सूर्य भगवान की प्रतिमा है जी, जी, जी। अन्नपूर्णा माता है जी। उनको खंडित करके फिर यहाँ पर आया जी, जी। जाओ अंदर, बोले घुस जाइए मूर्ति तोड़ जी। जैसे ही घुसना चाहा जी, हनुमान जी ने फेंक दिया उठा करके। ओ। उस समय ये सब कुछ बना ही जी, जी, जी। तमाम बानर भालू टूट पड़े, फौज आदि जो थी जी सब समाप्त हो गई जी। लगने लगा कि अब मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं दिखता जी, ये तो ये पंडित दिखते हैं 125 जो साथ चलते थे जी, और मैं दिखता जी। इसलिए उन्होंने पूछा कि महाराज जी अब तो बड़ा क्रोध है हनुमान जी महाराज का जी, जहाँ पर लाकेट लगी हुई है, दो पुष्प दिख रहे हैं जी, जी, जी। उस लाकेट के जो है नीचे से भगवान की दूध की धार बह रही थी जी, जी, जी। और बड़ा विशाल रोग था हनुमान जी का जी, जी। तो कहा कि अब कैसा करें, क्या करें महाराज जी। बताया कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जी अगर जो है देवता रुष्ट हो जाते हैं जी, जी। तो हवन का प्रावधान है जी, जी। तो 125,000 मन का हवन हुआ यहाँ पर, 40 किलो का हवन होता है जी, जी।
सवा लाख मन का हवन हुआ, ये सब पूरा ये प्रांगण जी जी उस समय सब जो है हवन कुंड में था। ओहो, अब तो ज्यों ज्यों जो है रख रखाव आरंभ हुआ जी जी जी, ये जो है बनी हुई है वेदी छोटी सी, हाँ जी हाँ जी, जिस पर प्रसाद चल रहा है जी जी जी, ये उसी समय का हवन कुंड बना हुआ है जी जी, इसलिए बंद कर दिया गया है जी, क्योंकि इसमें कचरा डालते थे लोग, माताएं बहने दर्शन करती जी जी, आग फिर जो है लगने का भय रहता जी 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 जी, इस कारण से जो है इसे बंद कर दिया गया जी जी। ये यहाँ का जो है जी हनुमान जी महाराज का जी ये मंदिर का, यहाँ महाराज छत्रसाल वगैरह आए और तमाम जो है जी जी उससे जो है आए, लेकिन मुख्य लोग जो है जी ओ जी, यहाँ पर ब्रह्मजीत का पहले जो है यह नाम था, फिर दूसरा ब्रह्मा यहाँ पर आए जी, परमाल के पुत्र जी, जिनका यहाँ पर कंकन छूटा जी जी, इसलिए इसका नाम कंकनपुर रख दिया जी 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 जी। फिर जो है यहाँ पर जी मानकवि और मोहन कवि आए जी, जिन्होंने काव्य लिखा यहाँ पर जी जी जी, और उन्होंने जो है जी इसका नाम काकनी के गिर पर विराजे वीर हनुमान है जी जी, काकनी शब्द से संबोधन किया जी, और आज धीरे धीरे जी इसका नाम काकुन काकुन हो गया, अब काकुन के जो है जी काकुन सरकार के नाम से शामिल हो गया। भाई जी तकरीबन ये जो मंदिर मूर्ति है कितना साल पुराना होगा? ये मूर्ति का हमने बताया ना कि त्रेता युग से हनुमान जी महाराज यहाँ पर तब से विराजमान है, बिल्कुल तब से आज तक यहाँ पर विराजमान है प्रतिमा की जो है जी, बड़ी पुरानी मूर्ति है, ऐतिहासिक मूर्ति है, 1000 वर्ष को मंदिर ही है। ओ हो हो जी, पुराना तो महाराज जी एक तरह से देखा जाए तो रामायण काल की निशानी कहा जाएगा इसको तो जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, धन्यवाद। ये विष्णु जी की मूर्ति है, खंडित है, देखिए इसका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन एक वास्तुकला का बहुत बड़ा नमूना है ये, और ऐसी ही वास्तुकला हमको खजाहों के मंदिरों में देखने को मिलती है, और काफ़ी देखिए बारीक इसमें है। मौजूद माता अन्नपूर्णा का ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है लेकिन काफ़ी डैमेज अवस्था में है ये मूर्ति। ये मूर्ति तकरीबन खजाहों के काल की है, देखिए यहाँ पे आपको लखौड़ी ईंट भी दिख रही है, यहाँ पीछे देखिए दीवार, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये और डैमेज अवस्था में है। ये हम लोग काकुन के हनुमान जी पे मौजूद हैं जी, और यहाँ सब कैसे आएंगे अगर आना हो तो? ये अगर महोबा से आना है जी, बाया चरखानी होते हुए जी, और हम लोग बाया बस यहाँ अपने साधन से जी, और चरखानी होते हुए हम लोग काकुन आ सकते हैं। यदि हमें बाया कानपुर मौदहा होके आना पड़े जी जी, तो मौदहा बाया इमिलिया गहरौली होते हुए जी, और हम अपने साधन से यहाँ आ सकते हैं जी। अच्छा अर्थ ये आपने बताया यहाँ जो लोकल है तो यहाँ लोकल साधन भी उत्पन्न होगा जी जी, दर्शक यहाँ आना चाहे तो जी, टेम्पो वगैरह चलते, टेम्पो कहाँ चलता है ये? पाँच किलोमीटर। अच्छा, अगर मौदहा से आना हो तो? मोदा 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 से आएंगे तो आप मुस्करा आएंगे पहले बस से जी जी जी, फिर मुस्करा से बस से आएंगे रे भाई, हाँ रे भाई से टेम्पू आएगी 5 किलोमीटर का जी 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 जी, हनुमान जी के दर्शन करेंगे जी जी। अब